लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूर्व प्रत्याशी नीलम सोनकर पर भरोसा जताया है। भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ की लालगंज सुरक्षित सीट से नीलम सोनकर को अपना प्रत्याशी बनाया है। नीलम सोनकर 2014 के लोकसभा चुनाव में लालगंज सीट से अपना प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। टिकट मिलने के बाद, टिकट की घोषणा होने के बाद पहली बार आजमगढ़ पहुंची नीलम सोनकर से हम बात करेंगे कि चुनाव जीतने के लिए उनकी रणनीति क्या होगी और प्राथमिकता क्या होगी। नीलम जी, पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है, तो अब चुनाव को लेकर के आप किस तरीके से रणनीति के तहत लोगों के बीच जाएंगी, क्या भरोसा उनको दिलाएंगी? पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे रक्षा मंत्री जी, हमारे संगठन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे उप मुख्यमंत्री जी, हमारे संगठन के सारे लोगों का मैं और अपनी कार्यकर्ता सबका भी बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। हम अपने जिला अध्यक्ष जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ। और रहा जो कार्य की बात आप कर रहे हैं, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अपने इस जिले का विकास करने के लिए पहले भी बहुत प्रयास करती रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कार्य की हूँ। इस बार भी मेरा प्रयास रहेगा कि हम लोग चौतरफा विकास का कार्य करें। नीलम जी, एक चीज बड़ा सवाल है, जब आप सांसद रहे उसके बाद से तमाम योजनाओं को लेकर के लालगंज के लिए आप काफी सक्रिय रही, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक रेलवे लाइन की मांग को लेकर के आपने काफी सदन से लेकर के तमाम जगह बातें की, लेकिन अभी उसको कहीं पटल पर नहीं दिख रही है। तो ऐसा तो नहीं कि जनता कहीं ना कहीं ये महसूस कर रही हो, तो बातें तो होती हैं लेकिन योजनाएं प्रैक्टिकल में आती नहीं है, इससे कहीं नाराजगी तो नहीं लोगों में आएगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। और मैं समझती हूँ कि आप सबका आशीर्वाद मुझे मिलेगा, मैं आज सदन में जाऊंगी और निश्चित रूप से मैं इस यहाँ पे रेलवे लाइन का जो कार्य मेरा सपना था, हमारे इस जनपद का पूरा सपना था, जो अधूरा रह गया उसे मैं जरूर पूरा करूंगी। नीलम जी, चुनौती भी बड़ी है। बिल्कुल है, और चुनौती तो कहाँ नहीं होती है। नहीं नहीं, विपक्ष चुनौती ले आ रहा है, लोग गठबंधन के साथ आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वादों की बात करती है, धरातल पर कुछ नहीं दिखता है, ये सब चुनौतियां चुनाव में तो रहेंगी। देखिए, विपक्ष तो कहता ही रहेगा, उसका कहना है, हम लोग बहुत ही शांतिपूर्वक अपना काम जैसे पहले करते थे वैसे ही आज भी करेंगे। जीत को लेकर 100% कोई उसमें संदेह नहीं। यह नीलम सोनकर, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ की लालगंज सुरक्षित सीट से प्रत्याशी बनाया है, और इन्होंने मजबूत दावा किया कि चुनाव को लेकर के वह पूरी तरह से आश्वस्त हैं, लेकिन ये तो अब परिणाम के बाद ही साफ हो पाएगा कि इनके दावों में कितना दम है। खुर्रम आलम नोमानी, एबीपी न्यूज, आजमगढ़। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।